इंडिया ने शुरू से पाकिस्तान को पैसे देके हराया, और कैसे इंडिया पाकिस्तान से जीत सकता है? पहले मुझे ये बताएं, किसी मामले में भी, किसी जंग में भी, क्या मेरी बात? पाकिस्तान में खुद बहुत टैलेंट है, ठीक है, हमारी टीम के पास बहुत टैलेंट है, और हैं भी हम मुसलमान, और हम एक यहूदों ने सारा से मदद ले, उनसे सीखें क्यों? तो कोच अभी हमारे गैरी केस्टन ही है, वो भी तो नॉन मुस्लिम ही है। अच्छा, क्रिकेट के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों ला रहे हो मेरी जान? मेरी बात सुने ना, ये एक जंग है ना शुरू से। अच्छा। क्या हम बर्दाश्त करते हैं कि जब इंडिया जीतता है हमें खुशी होती है? ये बताए, क्या हिंदू मुसलमान के ऊपर हैवी हो सकता है? ये बताए मुझे आप, जो इंसान जिसको ये ही नहीं पता कि अल्लाह की पहचान जिस इंसान को नहीं है, ये मैं मैसेज दे रही हूँ टोटल वो लोग जो गाफिल हैं, ठीक है। अच्छा। मेरा टॉपिक ये है कि अगर जिनको ये ही नहीं पहचान कि अल्लाह कौन है, ठीक है, मेरी बात सुने, कि मजहबों के साथ छेड़छाड़ करना आप जुर्म कर रही है, मैं सही बता रही हूँ, ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? एक बंदे को ये नहीं पता कि अल्लाह कौन है, ठीक है, तो उससे हम क्या मशवरे लेंगे? ये कि हम पाकिस्तानी हैं इसलिए हमारे से दुनिया जलती है। पाकिस्तान का एक तो लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है, हमारी नज़र में है या नहीं है? हमारी नज़र में। अच्छा। नहीं, हम क्यों? तो कोच अभी हमारे गैरी केस्टन ही है, वो भी तो नॉन मुस्लिम ही है। अच्छा, क्रिकेट के अंदर मुस्लिम नॉन मुस्लिम क्यों ला रहे हो मेरी जान? मेरी बात सुने ना, ये एक जंग है ना शुरू से। अच्छा। क्या हम बर्दाश्त करते हैं कि जब इंडिया जीतता है हमें खुशी होती है? ये बताएं, प्लेयर तो कोई भी जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, इसमें यहूदों ने सारा कहां से आ गया? मेरी बात सुने ना, इंडिया और पाकिस्तान की तो शुरू से नहीं ना बनती, ठीक है, जब इंडिया जीतता है तो हम लोगों को कितना दुख होता है। अच्छा, होता है ना, तो पाकिस्तान के हारने का होता है या इंडिया के जीतने का होता है? इंडिया के जीतने का होता है। अच्छा, अभी कोच पे आओ ना। कोच पे क्या, यहूदों ने सारा से ट्रेनिंग लेंगे, जाहिर सी बात है ना, हमारा तो अपना ही, मेरी बात सुने, हमारे पास खुद हर चीज़ है, हम क्यों दूसरों से सीखें? क्या चीज़ है हमारे पास? हमारे मुसलमानों के पास किस चीज़ की कमी है? किस चीज़ की कमी? कमी किस चीज़ की कमी, पहले मुझे ये बताएं। इंडिया ने कहा है पुराने खिलाड़ी थे ना वो सही थे, लेकिन जो अब के खिलाड़ी हैं ना, पता नहीं क्या चल रहा है इसका हमें नहीं पता, कि पैसे खाते हैं, हार जाते हैं, कि क्या मसला है, कि इतने अच्छे खिलाड़ी नहीं है जो पैसे देगी दुनिया इनको। बहरहाल कुछ नहीं कह सकते, इंडिया ने शुरू से पाकिस्तान को पैसे देके हराया, और कैसे इंडिया पाकिस्तान से जीत सकता है? पहले अच्छा। मुझे ये बताएं, किसी मामले में भी, किसी जंग में भी, क्या मेरी अच्छा। बात, क्या हिंदू मुसलमान के ऊपर हैवी हो सकता है? ये बताएं मुझे आप, आपके पास फोन है? बिल्कुल है, किसने बनाया है? सॉरी टू से बताइएगा, सॉरी। देखिए, हिंदू मुस्लिम ये प्रायोरिटी सुपीरियोरिटी इसको ना खुदा पर छोड़ दे, अल्लाह पर छोड़ दे, कौन इंसान कितना अफजल है, कौन इंसान कितना अच्छा है, ये अल्लाह जानता है, हम डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें ना कि हम मुसलमान जो है ना, वो एक पत्थर को पूजने वाले से, क्या उसका नाम है, एक जो इंसान जिसको ये ही नहीं पता कि अल्लाह की पहचान जिस इंसान को नहीं है, ये मैं मैसेज दे रही हूँ टोटल वो लोग जो गाफिल हैं, ठीक है। मेरा टॉपिक ये है कि अगर जिनको ये ही नहीं पहचान कि अल्लाह कौन है, ठीक है, मेरी बात सुने, कि मजहबों के साथ छेड़छाड़ करना आप जुर्म कर रही है, मैं सही बता रही हूँ, ये जुर्म है, बहुत बड़ा जुर्म है। नहीं नहीं नहीं, क्यों? एक बंदे को ये नहीं पता कि अल्लाह कौन है, ठीक है, तो उससे हम क्या मशवरे लेंगे? अच्छा, उसको क्या पता हो? उनका अपना मजहब है, हमारा अपना मजहब है, किसी क्रिश्चियन का अलग मजहब है, सिख का अलग मजहब है। अब आप किसी के मजहब पर उंगली उठाएंगी, आगे से उंगली वो हम पर उठाएंगे, फिर आपको बुरा लगेगा कि नहीं? मैं उंगली नहीं उठा रही, मैं उनके मजहब को गलत तो कह ही नहीं रही हूँ। उंगली उठाना वो होता है किसी पे तनकीद करना, किसी को गलत कहना, तनकीद नहीं है। जब किसी को पहचान ही नहीं तो उनसे हम क्यों मशवरे लें? अगर हमारे कोच चले जाते हैं अब इंडिया को ट्रेन करने के लिए, जैसे उनको अप्रोच किया जा रहा है, फिर क्या बनेगा बताएं? फिर वही होगा जो मंजूरे खुदा है। मंजूरे खुदा है, हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा? अच्छा खासा कोच है हमारे पास, नुकसान तो लॉस तो होगा। आज तक वैसे पाकिस्तान को लॉस ही तो हुआ हर तरफ से, ये भी तो देखे ना, एग्जाम्पल नहीं, ये भी तो देखे ना कि पाकिस्तान को आज तक लॉस ही तो हुआ। कैसे कैसे हर मौके पे लॉस हुआ है, देखे कौन सा लॉस हुआ है हमें इंटरनेशनल लेवल पर? इंटरनेशनल लेवल पर यार बहुत लॉस हुए हैं। अच्छा? जी बहुत ज्यादा। इतने लॉस हमें ही क्यों होते हैं? इसलिए कि वो दुनिया जलती होगी ना हमसे। हाँ। ये ना कह देना कि नहीं, ये भी है, ये भी है, क्यों जलती है? इसलिए कि हम हम पाकिस्तानी हैं, इसलिए हमारे से दुनिया जलती है। अच्छा, हम पाकिस्तानी हैं जी। पाकिस्तानी होने में ऐसी क्या खासियत है? ठीक है, आई एम अ प्राउड पाकिस्तानी, और आप भी प्राउड पाकिस्तानी हो, लेकिन वो क्यों जलेंगे हमारे पाकिस्तानी होने से? इसलिए कि पाकिस्तान का एक तो लेवल बहुत ऊंचा है, ठीक है, हमारी नज़र में है या नहीं है? हमारी नज़र में। अच्छा। नहीं, हम है या नहीं है हमारी नज़र में, पूरी दुनिया की नज़र में बताएं।
पूरी दुनिया का मुझे नहीं पता है, ठीक है, एज अ मुस्लिम हमें तो अपने वतन से प्यार, और हमें अपने मुल्क से प्यार है, ठीक है, हम हर हाल में, वो कहते ना कहाँ चिट्टा है, हमारा पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, ठीक है, सबसे अच्छा हमारा पाकिस्तान और हम यहाँ के लोग, ठीक है, ये बात है। जो हो हमारी नज़र में सब ठीक है, लेकिन दुनिया को हमारे पाकिस्तानी होने से क्या फ़र्क पड़ता है ये बताओ मेरी जान। दुनिया को हमारे पाकिस्तानी होने से फ़र्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये है कि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो है ना, मैं क्यों सा कह रही हूँ कि हम चाइनीज या इंडियन हैं। हाँ, तो हमने तो मतलब अपनी तारीफ ही करनी है ना, ठीक है, हर हाल में अपनी तारीफ करनी चाहिए। अच्छा। नहीं, कोच में कोई गलती नहीं हो सकती, देखें गैरी क्रिस्टन वर्ल्ड स्टार स्टाइलिश प्लेयर है, उसका रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, बहुत मैच जिताए हुए हैं उसने, लेकिन कोच चेंज भी हो जाए हमें तो टीम से गर्ज है ना, कोच पे हमें इतनी खास नहीं है, गैरी क्रिस्टन से अच्छा कोच कौन हो सकता है, अगर वो डिलीवर इनसे नहीं करवा सका तो इनका मतलब है कि हमारी टीम में गड़बड़ है, हमारे प्लेयर्स में गड़बड़ है, कोच में गड़बड़ कोई नहीं है। हमारे प्लेयर्स में सर क्या गड़बड़ है, कौन बुरा खेलता है जिसको अक्ल ही नहीं है? काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं सारे, हमें गिला यही है कि सारे जो है ना वो इंडिविजुअल खेलते हैं, अपने जाती रिकॉर्ड के पीछे पड़े हुए हैं कि मेरा इंडिविजुअल रिकॉर्ड अच्छे से अच्छा हो जाए। वो भी नहीं बन पा रहा ना जाती रिकॉर्ड, वो भी नहीं बन रहा, अब तो वो भी नहीं बन रहा, और सबका खाने पर ध्यान है, सबका अपने अपने स्टाइल पे ध्यान है, स्टाइल पे लगे हुए हैं, खाने पे लगे हुए हैं, क्रिकेट पे किसी का ध्यान नहीं है, हमें ये मायूस किया। वो इंडियन टीम की कोचिंग करते हैं फिर हम कहेंगे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। नहीं नहीं, फ्रॉड नहीं है, इंडियन टीम इज द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, इंडिया की टीम जबरदस्त है, जो सच है वो सच है, इंडिया हमारा दुश्मन है, हमें नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी जो रियलिटी है वो रियलिटी है। टीम में क्या खासियत है? उनमें सबसे ज्यादा खासियत ये है कि उनमें इत्तेफाक है, और सबसे बड़ी उनके लिए बात ये है, जैसे विराट कोहली है या वो रोहित शर्मा है, वो टीम के लिए खेलते हैं, वो इंडिया के लिए खेलते हैं, वो अपनी मुल्क के लिए खेलते हैं, हमारे जो लोग हैं वो खाने पे ध्यान है, इंडिविजुअल पे लगे हुए हैं, अपने जाती रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में है, पाकिस्तानी टीम का या पाकिस्तान का कोई ख्याल नहीं। उनके खिलाड़ी फिट भी हैं? उनके खिलाड़ी फिट भी हैं, हमारे वो आप आजम खान देख लें, माशाल्लाह इतने वो फैटी हैं, दौड़ा भी नहीं जाता उनसे, चला भी नहीं जाता, पता नहीं क्यों रख लिया उनको, मोइन खान का बेटा है शायद इसलिए रख लिया उनको, सिफारिश भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पाकिस्तानी टीम में, हमें बहुत गुस्सा है पाकिस्तानी टीम पे, हम तो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाह रहे, इतना उन्होंने हमें मायूस किया।